जे एंड के स्पोर्ट्स काउंसिल प्ले फील्ड अभी मड़। मैं पहुंचा हूं मड़ स्पोर्ट्स काउंसिल स्टेडियम में। ये पीछे आप स्टेडियम देख सकते हैं क्रिकेट का। यहाँ पे क्रिकेट की डे टूर्नामेंट हो रही है जो कि करवा रहे हैं हमारे रणदीप सिंह जी लुधियाना वाले। तो वो भी यहाँ स्टेडियम में आए हुए हैं। आज हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं क्या मैच का स्टेटस रहेगा, कितनी टीम्स आई हैं, किस तरह से ये मैच करवा रहे हैं। तो उन्हीं से बात करते हैं। और यहाँ पे स्पॉन्सर खड़े हैं जो इस टूर्नामेंट को करवा रहे हैं, मिस्टर रणदीप जी लुधियाना वाले। तो हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं, कितनी टीम्स आ रही हैं, किस तरह से मैच चल रहे हैं, क्या हो रहा है, डे है नाइट है, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे हमें। रणदीप भैया क्या हाल है? नमस्कार रतन भाई। जब बताइए भैया ज़रा, आप टूर्नामेंट करवा रहे हो क्या, इस बारे में कैसे? टूर्नामेंट रतन भैया, आपको बोला था हमने JKSPL टूर्नामेंट कराया जो एम स्टेडियम में पहले, ठीक है? आपको पता है बहुत वायरल गया वो JKSPL। जी भैया। तो वो टूर्नामेंट हमारा कराने का मेन मोटिव जो था वो ड्रग्स के अगेंस्ट था। तो ये यंगस्टर है ड्रग्स के जो जाल में जा रहा है वो बचे, और हमारे फ़ायदा भी हुआ। काफ़ी हमारे JKSPL से खेले हुए बच्चे ISPL में सेलेक्ट हुए हैं, जो उनकी कैरियर बन गया उनका। कांग्रेचुलेशन। हमने वही MLA मड़ को बोल के और बोला उनको कि जो मड़ का स्टेडियम है इसको थोड़ी इसकी डेवलपमेंट हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा, और मड़ के लोगों के लिए अगर हम अच्छे टूर्नामेंट कराएंगे तो स्कोप बच्चों के लिए बढ़ेगा। तो इसीलिए हमने अब ये इनिशिएटिव लिया है। 16 टीमों का मैच करवा रहे हैं, 16 टीम्स हैं। टेनिस बॉल से होगा, 70-70 बॉल है, हैवी होती है थोड़ी, उससे करवाएंगे। जो हमने JKSPL में करवाया था सेम पैटर्न से करवाएंगे। नॉकआउट मैचेस हैं, 10-10 ओवर के मैचेस करवाएंगे हम। और इसका विनिंग प्राइज जो फर्स्ट प्राइज हमने रखा है, क्योंकि यहाँ कोई करवाता है नहीं करवाता, बच्चों को प्राइज़ नहीं मिलता, तो बच्चे क्या होते हैं कि डीमोटिवेट हो जाते हैं। प्राइज एक ऐसी चीज़ है, बच्चे मोटिवेट होंगे, स्पोर्ट्स के साथ जुड़ेंगे और नशे से दूर जाएंगे। प्राइज़ हमने रखा है, फर्स्ट प्राइज़ रखा हमने जो विनर टीम है 111,000 रुपया, और रनर अप का रखा है 31,000 रुपया। और छोटे छोटे प्राइज़ भी रखे हैं, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज़, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, और एवरी मैन ऑफ द मैच जो है वो हमारी तरफ से जो कोई गिफ्ट है वो भी दिया जाएगा हर मैन ऑफ द मैच में। तो काफ़ी प्राइजेज रखे हैं। तो बाकी MLA जो मड़ हैं वो भी हेल्प कर रहे हैं हमारी। तो देखो, हमने इनिशिएटिव उठाया है मड़ में, अब लगातार यहाँ कराते रहेंगे। जैसे हमने बोला था आपको, MSTD में भी जो जरूर कराएंगे, अलग अलग जो भी जितनी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भी जाके करवाना शुरू करेंगे मैचेस को। हम अच्छे लेवल में कराएंगे ताकि हम स्पोर्ट्स को प्रमोट करें, ड्रग्स के अगेंस्ट काम करें, और सरकार को भी हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ हमारी हेल्प करे सरकार, ताकि बच्चे ड्रग्स से दूर जाएं। क्योंकि हम इनिशिएटिव हम ले रहे हैं, जब जब सरकार हमारे साथ जुड़ेगी तो काफ़ी हद तक हाई लेवल पर जा सकता है ये काम, और बच्चे ड्रग्स से दूर जा सकते हैं। बाकी हमारे भाई हैं, विक्की भाई हैं। और ये मैच कब से स्टार्ट हो रहे हैं भैया? मैच हो रहे हैं स्टार्ट हमारे 11 तारीख से 16 तारीख तक मैच हैं ये। सारे मैच नॉकआउट है, 16 या 15 मैचेस होंगे, और इस मैचेस में हम ड्रेसेस भी दे रहे हैं सभी को। अब हर टीम की अलग अलग ड्रेसेस होगी, 12 प्लेयर हैं, 11 प्लेइंग प्लेयर्स होंगे इसमें। ये आप टूर्नामेंट किस नाम से करवा रहे हो भैया? ये टूर्नामेंट हम करा रहे हैं बाबा जित्तू जी के नाम पे। इस टूर्नामेंट का नाम रखा है बाबा जित्तू कप 2024, क्योंकि अभी झिड़ी मेला होके हटा और बड़ी पवित्र धरती है वो, आपको पता है बाबा जित्तू किसान थे, तो वहाँ भी हमने सहयोग किया था हल्का फुल्का जितना हम कर सकते थे। तो बाबा जित्तो के नाम पे ही हमने ये कप रखा है 2024, तो ताकि अच्छे लोग जुड़ें, अच्छे काम है, तो इसलिए बाबा जी के नाम पे हमने ये कप कराने का सोचा है, बाबा जित्तो जी कप 2024। और ये विक्की भैया, ये भी सीनियर प्लेयर हैं क्रिकेट के, इनसे पूछते हैं ज़रा इनके क्या व्यूज़ हैं मैच को लेके। जी भैया, जैसे कि पहले तो आप सबको मुबारक है रतन भाई जी कि रणदीप भाई ने इनिशिएटिव लिया है कि मड़ में हम टूर्नामेंट कराएंगे। कि हमने पहले, इससे पहले हमने JKSPL कराया है, जो हमने हमें स्टेडियम में कराया वो बहुत ही बढ़िया और तरीके से कराया है। आज तक ऐसी टूर्नामेंट कभी नहीं हुई। बिल्कुल, भाई से मुलाकात उसी टाइम हुई थी, भाई ने बोला था कि भाई आपका सहयोग चाहिए, साथ चाहिए, नेक्स्ट टूर्नामेंट हम मड़ में कराएंगे आपके ब्लॉक में, और भैया ने भी ये वादा पूरा किया है। आज उन्होंने मुझे बुलाया ग्राउंड में कि भाई आज तैयारी देख लो हो गई है ग्राउंड की, 11 दिसंबर को पहला मैच हम स्टार्ट कर रहे हैं मड़ ग्राउंड में। और मैं सभी भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ, जम्मू की, खासकर जम्मू के भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ, जो जो क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं अपनी टीम में एंटर कराओ, ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। कभी ऐसी टूर्नामेंट हुई है ना दोबारा होगी। और सबसे बड़ी ये बात है कि भाई जो ये टूर्नामेंट करा रहे हैं नशे के खिलाफ,
ये मैंने सुना कि सिर्फ 16 टीमें खेल सकती हैं, जो फर्स्ट 16 रजिस्टर कर चुकी तो वही खेल सकती है, उसके बाद कोई नहीं। वो आज एक दो दिन का टाइम है, लास्ट डेट कब है इसकी? दो दिन का टाइम है, जो टीमें एंटर कराना चाहता है वो करा सकता है, तो उसके बाद ये फुल स्लॉट फुल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम न्यू ईयर कप कराएंगे, उसमें हम 32 टीमें कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे वो भी टेनिस क्रिकेट होगा, डे या नाइट? वो हो सकता है डे नाइट हो, बट ये है ये डे है, अभी सीजन ऐसा है, मौसम ऐसा है, मौसम अच्छा नहीं, नाइट। और ये थे हमारे रणदीप भैया और विक्की भैया, और अब जिस दिन मैच होगा उस दिन मिलते हैं इनसे, ज़रा किस तरह का टूर्नामेंट करवाया, क्या ऑर्गेनाइज़ किया इन्होंने। थैंक यू भैया।